श्री मिथिलेश तिवारी जी से आग्रह करूंगी कि वो हम लोगों के यशस्वी भाई प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत भाइयों, इतनी गड़गड़ाहट हो जाए कि सब लोग जो सोए हैं जग जाएं। भारतीय जनता पार्टी के बक्सर के जिला अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिंह उर्फ भोला जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो शॉल से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं मीना कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बक्सर के इस धरती पर आप उनका स्वागत करें। माननीय मीना कुशवाहा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। भारत माता की सबसे पहले मैं अपनी समस्त बहनों की ओर से भाई नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने शक्ति वंदन बिल पास करके हम बहनों को 33% आरक्षण देकर सशक्त बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, यदि दिल पर हाथ रखकर गहराई से सोचा जाए तो जितने भी विरोधी दल के नेता हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो पूरे के पूरे अदालत से जमानती हैं और बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में क्या किया। बहनों और भाइयों, मैं बताना चाहती हूं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण का काम किया है। आज भारत का नाम विश्व पटल पर सम्मान पूर्वक लिया जाता है और हर भारतीय को उसी नजर से देखा जाता है जिस तरह एक विकसित देश के नागरिक को देखा जाता है। मोदी सरकार की विदेश नीति, जिसे मोदी जी का सिद्धांत भी कहा जाता है, के चलते आज विश्व का हर विकसित देश भारत से मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता है। आज दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपना उद्योग स्थापित कर रही है। आज भारत सैन्य बल के क्षेत्र में इतना शक्तिशाली हो चुका है कि कोई भी दुश्मन देश हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आज भारत में निर्मित मिसाइल विश्व के कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम विकसित एवं मजबूत देश इजराइल को भारत में ही निर्मित सैन्य ड्रोन की आपूर्ति करने जा रहे हैं। साथियों, जिस क्षण का, जिस समय का आप लोगों को इंतजार था, वो समय आ चुका है। मैं अपनी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के मंत्री आदरणीय माननीय गिरिराज सिंह जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना संबोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय सियाराम, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी, आपका इस विश्वामित्र की तपोभूमि पर स्वागत है। मैं आज इतना ही कहूंगा कि आज आपके आने से केवल तपोभूमि पर जो राम को मानने वाले लोग हैं, वो आज यहाँ इकट्ठे होकर के आपको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं दूसरी बात, आज
सतेंद्र सिंह मुखिया जो राजपुर के हैं, हजारों लोगों के साथ आरजेडी छोड़ करके हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बात कहता हूं, भाइयों तुम अपना एक वोट देते हो तो प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों घरों गरीबों को घर देने का काम करते हैं, इसलिए अपना एक एक वोट देने जरूर जाएं। बोलिए भारत माता की। साथियों, वो क्षण आ गया है जिसके लिए आप सुबह से इंतजार कर रहे थे और मैं सीधे हम लोगों के पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरु विश्वामित्र और मां गंगा की पावन धरती बक्सर पर हम अपने सब परिवार के लोगों के प्रणाम करता ने बक्सर के हमारे परिवार के ही जोश हमार उत्साह बढ़ा देत हो। साथियों, आज छठे चरण का मतदान भी तेज गति से लोग लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। और आज जो मतदान हो रहा है, इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। भाई ये जरा एसपीजी वाले बेटी बढ़िया फोटो बना के लाई है, छोटी सी गुड़िया कब से उसके हाथ दुखते होंगे, ऐसे ही हाथ खड़े कर रहे कैसी। अरे भाई आप मत लीजिए, उस बच्ची को दीजिए। अब तक आपको मैनेजरी करने का मन नहीं कर गया, वो बच्ची बेचारी घंटे भर से हाथ ऐसे करके खड़ी है। जरा एसपीजी के लोग जाकर के ले ले उनसे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारा नाम पता लिखा है ना उसमें, उसमें तुम्हारा नाम पता है, मेरी चिट्ठी आएगी। साथियों, जो पांच चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो छठे चरण में चीजें नजर आ रही हैं, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शतर गिरने वाला है। दे दीजिए भाई, उनको दे दीजिए जो बच्चों के पास तस्वीरें हैं, दे दीजिए। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत जमानत
अमानत, उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई, ये वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है। और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए। ২০২৪ के लोकसभा के चुनाव में वैसे ही इनकी गपोड़बाजी खुल जाने वाली है जैसी 22 के असेंबली के चुनाव में हुआ था। बाकी अब ये पक्का हो चुका है, फिर एक बार 4 जून देखिए 4 जून को मनेर के लड्डू बटेंगे। हम ठीक कहता नहीं ना साथियों, बक्सर की ये धरती ये प्रभु श्री राम की गुरु भूमि है। आसुरी ताकतें जब यहां आतंक फैला रही थी तब प्रभु राम यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम आए थे। साथियों आज एक बार फिर विकसित भारत का महायज्ञ चल रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैदान छोटा पड़ गया है, वहां बहुत लोग धूप में तप रहे हैं, वो धूप में भी इतने धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं तो उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूं कि इतने धूप में वो खड़े हैं लेकिन यहां वाले वे आगे आने की कोशिश करते हैं। अब मैदान में आगे आने की जगह नहीं भाई, जहां हो वहां रहो। अब मैं आपके पास आया हूं ना, इससे क्या है? आपका प्यार मुझे खींच के लाया है जी। आप कृपा करके आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। और आपका जो जोश है ना, 1 तारीख को भी जरूरत पड़ेगी और 4 को भी जरूरत पड़ेगी। बोले जय श्री राम। और साथियों प्रभु राम जब आए यज्ञ हुए और आप देख रहे हैं वो कौन सी ताकत है जो राष्ट्र यज्ञ में बाधा डाल रही है।
बक्सर के लोग जान रहे हैं ना, भारत एकजुट होकर विकास की बात करता है, लेकिन कौन विकसित भारत के संकल्प का मजाक उड़ाता है? भारत का दुनिया में सम्मान होता है, लेकिन कौन लोग हैं जो विदेशों में जाकर भारत को गाली देते हैं? भाइयों बहनों, 500 साल बाद, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कितनी पीढ़ियों की साधना, कितनी पीढ़ियों का इंतजार, कितनी पीढ़ियों का बलिदान, 500 साल बाद आप सबका एक सपना पूरा हुआ। आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जब पूरा देश उत्सव मना रहा था, जब बक्सर के लोग रामलला के लिए उपहार भेज रहे थे, तब कौन लोग थे जो प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे थे? वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर को अपवित्र और पाखंड बता रहे हैं? यही कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन वाले लोग, यही उल्टी चाल वाले हर पवित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले लोग। मैं बक्सर की पुण्य धरती की जनता से पूछता हूं, आप जवाब देंगे ना? आप जवाब देंगे ना? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया करोगे नहीं करोगे? साथियों, देश की जनता जानती है, ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, ये चुनाव देश में मजबूत और स्थिर सरकार चुनने के लिए है। आपने 10 साल तक अपने मोदी को जांचा है, परखा है, आपको मोदी का काम भी पता है, मोदी की नीयत भी पता है, लेकिन दूसरी ओर कौन है? लोग पूछते हैं कि इंडी जमात में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जनता को ही हक है ना जानने का? नहीं है भाई, हक है ना? लेकिन वो जवाब नहीं देते। वो जैसे ही कोई पूछता है भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन, तो वहां आपस में ही सिर फुटबल हो जाता है। और कांग्रेस देश को अपनी जागीर समझती है, उसे लगता है शाहजादे ही इकलौते वारिस है, लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। जरा सोचिए, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है क्या? बताइए ना, चल सकता है क्या? भ्रष्टाचार इनके संस्कारों में इतना गहरे तक बैठा है, ये देश को भी नोटों की गड्डी के रूप में देखते हैं। ये देश चलाने जा रहे हैं या बैंक लूटने जा रहे हैं,
और जो लूट का माल आपस में बांट लेंगे। साथियों, एनडीए सरकार के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, भविष्य का विजन है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर पीएम आवास दिए हैं। आप एनडीए को वोट देंगे, आप बीजेपी एनडीए को वोट देंगे तो हम और 3 करोड़ गरीबों को घर देंगे। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है। आप एनडीए को वोट देंगे तो हम 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। आप बीजेपी को वोट करेंगे तो हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से आपका बिजली बिल 0 कर देंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे तो 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेगी। आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपको 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। आप बीजेपी को वोट देंगे, आतंकवाद और नक्सलवाद मुंह नहीं उठाएगा। ये हम बोलते हैं, ठीक है? ये लोग क्या बोलते हैं? एनडीए वाले क्या बोलते हैं? इंडी की जमानत क्या बोलती है? ये इंडी की जमानत क्या, जो जमात है वो क्या बोलती है? एनडीए वाले क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूं इंडी वाले क्या बोलते हैं। वो कहते हैं उन्हें वोट चाहिए। क्यों? वो सीएए को रद्द करना चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए, वो घिस घुसपैठियों को फ्री एंट्री दिलाना चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए क्योंकि कश्मीर से 370 वापिस लाना चाहते हैं। इन्हें सीमा पर से बिहार और बक्सर के बेटों को खून बहाना है। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें आपकी संपत्ति की एक्सरे जांच करवानी है। ये आपकी जीवन भर की कमाई को अपने वोट बैंक को, वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। कांग्रेस कहती है देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है। क्या बिहार इन देश विरोधी एजेंडे को वोट कर सकता है कभी? क्या ऐसे लोगों को वोट कर सकता है क्या? साथियों, मैं बक्सर की जनता को एक और षड्यंत्र से आगाह करने आया हूं। इंडी गठबंधन के सारे दल मिलकर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। आप खुद देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण रातों रात मुसलमानों को दे दिया। मैंने इस पर सवाल उठाया तो आरजेडी ने कहा कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही देना चाहिए। बंगाल में टीएमसी ने मुसलमानों की 77 जातियों को ओबीसी घोषित करके उन ओबीसी का हक मुस्लिमों और घुसपैठियों में बांट दिया। इंडी जमात वालों का इरादा है ये सरकार बनाएंगे और संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए, बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, फिर आज आप बाबा साहब की पीठ में छुरा क्यों भोंक रहे हो? आप एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की लूट क्यों होने देंगे? इन्हें जवाब 1 जून को देना है। साथियों, बिहार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। बिहार अब विकास के रास्ते से हटने वाला नहीं है। हमारे बिहार ने बहुत सालों तक जंगल राज का आतंक देखा है। इन लोगों ने बिहार की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। कौन भूल सकता है, शाम तक बच्चा घर न आए तो मां परेशान हो जाती थी। कब किसके बच्चे का अपहरण हो जाए,
कब किसको फिरौती के लिए फोन आ जाए, कब आरजेडी के गुंडे व्यापारियों से फिरौती की मांग कर दें, इस खौफ में कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने लोग बिहार छोड़कर पलायन कर गए, जहां उद्योग बंद हो गए, रोजगार नहीं बचा, आज वही लोग फिर से आपका वोट मांगने की बेशर्मी दिखा रहे हैं। भाई और बहनों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार अंधेरे से निकलकर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। बक्सर के लोगों को इलाज के लिए बनारस जाना पड़ता था, अब हम यहां बक्सर में ही मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बनारस में हमने एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया है, अब किसी कैंसर मरीज को दिल्ली मुंबई नहीं भागना पड़ेगा। आज आरा से बक्सर 4 लेन हाईवे है, पटना से आरा 4 लेन हाईवे भी बन रहा है, आने वाले समय में यहां उद्योग और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, आने वाले 5 साल देश और बिहार के विकास के लिए निर्णायक होगा, इसका फैसला आपका एक वोट करेगा। बीजेपी ने बक्सर से हमारे साथी भाई मिथिलेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया है, आपका हर वोट जो उनको मिलेगा वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, कमाल है यार, इनके लिए कह रहा हूं तो आप बड़े जुस्से से बोल रहे हैं, मेरे लिए कहा तो चुप हो गए। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, पूरी ताकत से बताओ, जो करने वाले हैं बताओ, करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, यहां से जाकर के सब परिवारों में जाकर के जितने ज्यादा परिवारों में जा सकते हैं जाना, और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने हरेक को जय श्री राम कहा है, मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे। मेरा एक दूसरा काम है, वो करेंगे करेंगे, हर गांव में देवस्थान होते हैं, आप उन देवस्थानों में सब लोग जाएं गांव वाले, और देवस्थान में जाकर के मत्था टेके और ईश्वर से आशीर्वाद मांगे कि मोदी जी की इच्छा है, मोदी जी की तरफ से हम मत्था टेकने आए हैं और विकसित भारत के लिए आशीर्वाद दीजिए। करेंगे, पक्का करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी, जो सो चुके थे अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। अब मैं जिला अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए।